एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस ए मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है ना। आज बेटा हम एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस है वो करेंगे जो यूपीएससी के मेंस के अंदर आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। यूपीएससी के जो मेंस होता है उसके अंतर्गत है वो आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, मैं कहूँ कि आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने डिस्कस है वो करता हूँ बेटा, क्या है क्या नहीं। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्मा प्लूम्स। तो मैग्मा प्लूम्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत है वो आपको बताया था, ठीक है ना। मैग्मा प्लूम्स है वो क्या होते हैं, या फिर इसी को दूसरी तरीके से किस तरह से पूछा गया था, वो पूछा गया था एक्सप्लेन कन्वेक्शनल। ये भी मैं बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत आपको याद हो तो जल्दी से अपने जो नोट्स हैं उनको ओपन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक्सप्लेन द कन्वेक्शनल करंट रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ मैग्मा। सवनीय धारा सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। ये किस प्रकार मदद करता है मूवमेंट ऑफ मैग्मा के, मैग्मा को गति प्रदान करने में, किस प्रकार ये जो एक अपना जो रोल है वो अदा करता है, ठीक है ना। प्लेटों को मूवमेंट कराने में ये किस प्रकार एक अहम भूमिका है वो निभाता है। तो क्या है हमारा, मैं एक सिंपल से पहले आपको समझा देता हूँ बेटा, कि हमारा जो एस्टिनोस्फेयर है उसके अंतर्गत आपको बड़े बड़े जो रोक या फिर हार्ड ब्लॉक हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। लार्ज एंड हार्ड रोक ब्लॉक हैं वो देखने को मिलते हैं जिन, और इन्हीं से क्या होता है मैग्मा है वो ऊपर उठता है। इन्हीं से क्या होता है मैग्मा है बेटा वो ऊपर उठता है और वो फिर फ्लो करना है वो स्टार्ट कर देता है। और जो प्लेट है वो किस पर डिपेंडेंट है, किस पर टिकी हुई है, वो टिकी हुई है किस पे, मैग्मा पे। मैग्मा जब फ्लोट करता है, जब तैरता है, तो हमारी जो प्लेट है वो भी तैरती है या फिर मूवमेंट करती है, ठीक है ना। पिछली क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि जो प्लेट है उनमें मूवमेंट होती है, ठीक है ना। जो मूवमेंट है वो मैंने कराई थी कि सबसे स्लोवेस्ट जो थी हमारी वो आर्कटिक रिज थी, और फिर फास्टेस्ट जो पैसिफिक की हमारी ईस्टर्न आइलैंड पे या फिर जो साउथर्न पार्ट है चिल्ले का वहाँ पे आपको देखने को मिलती है वो वाली बेल्ट या वो वाली जो प्लेट है वो आपको देखने को मिलती है। तो पहले ये है क्या, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो करते हैं। कोल्ड प्ल्यूम्स भी मैं आपको बताऊँगा, लेटरल प्ल्यूम्स क्या होते हैं, हॉट प्ल्यूम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत भी आपको क्लियर है वो कराई जाएगी। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा, इसके बारे में समझा देता हूँ मैं पहले, और साथ के साथ नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर करते रहें। 1929 के अंदर एक वैज्ञानिक थे आर्थर होम्स, हिंदी के अंदर भी मैं लिख देता हूँ बेटा, आर्थर होम्स नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पहली बार क्या दिया, एक थ्योरी दी। उस थ्योरी को क्या, किस नाम से जाना जाता है, उस थ्योरी को जाना जाता है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन है वो आपसे ये सिंपल सा है कि कन्वेक्शनल जो करंट जो थ्योरी है वो किसने दी और कब दी। 1929 के अंदर आर्थर होम्स ने ये जो सिद्धांत है वो दिया बेटा।
चलिए, अब ये क्या है, इसने क्या बताया अपने इस सिद्धांत के अंदर, वो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। इसके अंतर्गत इसने बताया इन इंटीरियर पार्ट, इन इंटीरियर पार्ट पृथ्वी के जो आंतरिक जो भाग है बेटा, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी, एनर्जी फाउंड ठीक है। इसने बताया कि हमारा जो इंटीरियर जो पार्ट है, हमारा जो आंतरिक जो भाग है पृथ्वी का, उसके अंतर्गत आपको मोलिकुलर एनर्जी है वो देखने को मिलती है। इट फ्लो टूवर्ड सरफेस, यह ऊर्जा धरातल की ओर, ठीक ना, ये है, यह जो ऊर्जा है वो धरातल की ओर प्रभावित होती है। इट फ्लो टूवर्ड सरफेस, ठीक ना, ये जो ऊर्जा है वो सतह की ओर क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक ना, प्रभावित होती है, मतलब कहने का मतलब है ये जो एनर्जी है वो सतह की ओर चलना स्टार्ट कर देती है। जब इस प्रकार की जो एनर्जी है वो सतह की ओर चलना स्टार्ट कर देती है तो क्या होता है, अब आगे देखिए, जर्नली जर्नली इन सॉलिड एनर्जी, आपने देखा होगा कि साइंस के अंदर आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री के अंदर जो सॉलिड जो एनर्जी है, सॉलिड एनर्जी फ्लो बाय कंडक्शन, ठीक ना, कंडक्शन बट टेम्परेचर इज मोर देन क्यूरी क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर देन द एनर्जी, देन द एनर्जी, देन द एनर्जी फ्लो फ्लो बाई कन्वेक्शनल, फ्लो बाई कन्वेक्शनल प्रोसेस, अब सुने बेटा ध्यान से। जनरली क्या होता है कि जब सॉलिड जो एनर्जी होती है वो फ्लो करती है कंडक्शन की फॉर्म में, ठीक है ना, जो ठोस जो ऊर्जा होती है वो चलन विधि से बहती है, लेकिन जब तापमान क्यूरी तापमान से अधिक हो, लेकिन जब तापमान, इसने कहा कि बट टेम्परेचर इज मोर देन क्यूरी टेम्परेचर, पहले तो यही बात समझते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर ही क्या होता है, ठीक है ना, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्यूरी टेम्परेचर बताता हूँ मैं आपको, पहले क्यूरी टेम्परेचर समझिए, हेडिंग डालिए क्यूरी टेम्परेचर, ये है क्यूरी टेम्परेचर। अब आगे जब भी कराएंगे, जब क्यूरी टेम्परेचर आपको क्लियर हो जाएगा, टाइम एट विच रॉक्स लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे वह ताप, ठीक है ना, वह टेम्परेचर या वह ताप जिस पर चट्टान अपनी चुंबकीय शक्ति है वो खो देती है, उसी को क्यूरी टेम्परेचर है वो कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, क्यूरी ताप कहा जाता है। वह ताप जिस पर, ठीक है ना, टाइम नहीं, टेम्परेचर एट विच, यहाँ पे टेम्परेचर लिख सकते हो, चाहे टाइम नहीं आएगा, टेम्परेचर
टाइम एट विच नहीं, टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच रॉक्स लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्यूरी, क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी ताप। अब क्या होता है, जब क्यूरी ताप हो जाता है तो मूवमेंट कैसी हो जाती है, मूवमेंट जो हो जाती है वो कन्वेक्शनल प्रोसेस हो जाती है, ठीक ना। अब कन्वेक्शनल जो प्रोसेस है वो देखते हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ आगे। देयरफॉर, अब आगे लिखेंगे हम इसी में, देयरफॉर, देयरफॉर मैग्मा क्या होगा, मैग्मा सर्कुलेटेड, सर्कुलेटेड हैज ए करंट, करंट के रूप में जो मैग्मा है वो फ्लो करना स्टार्ट है वो कर देगा बेटा, ठीक है ना। क्या करना स्टार्ट कर दे, मैग्मा एक धारा के रूप में प्रवाह है वो करना स्टार्ट कर देता है, और फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर वो बाहर निकलता है, ऐसे जो प्रोसेस है वो चलती रहती है बेटा। इसी के बीच में एक नए साइंटिस्ट है वो आए 1960 के अंदर, 1960 के अंदर एक नए साइंटिस्ट है वो आए, तारकुट, आप याद रख सकते हैं तारकुट, क्या है तारकुट, मैं हिंदी के अंदर भी लिख देता हूँ बेटा, तारकुट, तारकुट आए, और तारकुट ने ये जो थ्योरी, जो हम कन्वेक्शनल जो थ्योरी है वो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या किया, इसमें कुछ चेंज किया, इस सिद्धांत के अंदर उसने क्या किया, चेंज किया। तो आपसे एक जो क्वेश्चन है वो यही, ये भी पूछा जाएगा कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के अंदर किसने चेंजमेंट है वो की, तो वो की किसने, तारकुट ने, ठीक है ना। और तारकुट ने ही बताया कि हमारे जो एस्थिनोस्फेयर है बेटा, ठीक है ना, जो हमारा जो एस्थिनोस्फेयर है इसके अंतर्गत आपको TIC सेल्स है वो देखने को मिलती हैं, TIC है वो आपको देखने को मिलती हैं, ये क्या होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसने कहा कि जो TIC सेल्स हैं इनमें से ही क्या होता है, इनके बीच से लावा है या जो मैग्मा है, जो मैग्मा है वो ऊपर उठता है। देखिए कैसे, आपको बताता हूँ। तारकुट, जो तारकुट है, इन्होंने बताया कि हमारी TIC सेल्स हैं वो देखने को मिलती हैं कहाँ पर, एस्थिनोस्पेयर्स में, कहाँ पे बेटा, एस्थिनोस्पेयर्स में, दुर्लभ मंडल के अंदर हमें TIC देखने को मिलती हैं। ये क्या होती हैं इनके बारे में आप लिख सकते हैं, थर्मल इनडिफरेंट सेल, ये है TIC, ये आपको मैंने बता दिया। अब ये होती क्या है, ये क्या होते हैं, ये लार्ज एंड हार्ड रॉक ब्लॉक, लार्ज एंड हार्ड रॉक ब्लॉक, रॉक ब्लॉक, ठीक है ना। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एस्थिनोस्फेयर्स के अंदर पाए जाते हैं, ये बड़े और कठोर चट्टानी ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको एक फिगर के द्वारा क्लियर है वो कराता हूँ बेटा, इसको मैं साइड कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमारा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको TIC सेल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं बेटा, TIC सेल्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, और नीचे ये क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। तो मैग्मा क्या होता है, मैग्मा यहाँ, ये सारा का सारा क्या है, मैग्मा है बेटा। तो मैग्मा यहाँ से ऊपर उठता है, मैग्मा ऊपर उठेगा तो
इस साइड भी जाएगा और ये इस साइड भी जाएगा, ये बेटा ऐसे। तो मैग्मा की जो मूवमेंट है वो ऐसे हो गए, ठीक है ना। मैग्मा की जो मूवमेंट है वो कैसे हो गए वो मैंने आपको अभी अभी बता दिया है। जब मैग्मा जब ऊपर उठता है, ठीक है ना, जब मैग्मा है वो ऊपर उठेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पे प्लेटों को आपको डाइवर्जेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, लिखने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे प्लेटों को आपको, पहले प्लेटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्लेट है उनका डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा प्लेटों का, ठीक है ना। जब प्लेटों का जब डाइवर्जेंट है वो होगा, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से बेटा सपोज कर लीजिए ये यहाँ से भी उठ रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ से भी क्या है उठ रहा है। तो एक प्लेट है वो यहाँ से आकर मिल गई, एक प्लेट ये, एक प्लेट तो ये यहाँ आकर मिल गई और एक प्लेट ये यहाँ। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, कौन सी बाउंड्री की, तो वो होगी कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है ना। कौन सी बाउंड्री, कन्वर्जेंट जो बाउंड्री है उसकी फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जब लावा ऊपर उठता है, तो ये लावा है जब ऊपर उठ रहा है, तो इसी को बोला जाता है हॉट प्लूम्स, इसी को बोला जाता है बेटा हॉट प्लूम्स, ठीक है, हॉट प्लूम्स है वो बोला जाता है। और जब लावा है वो नीचे गिरता है, जब लावा नीचे की साइड है वो आ रहा है, मोमेंट हो रही है, तो इसी लावा को बोला जाता है कोल्ड प्लूम्स। क्या बोला जाता है, कोल्ड प्लूम्स। और जब ये ऐसे मूवमेंट है वो कर रहा है इस तरह से होगा, तो इसको बोला जाएगा, या फिर ये जो नीचे की साइड है इसको बोला जाता है लैटरल प्लूम्स। लैटरल जो प्लूम्स है इसके नाम से इसको जाना जाता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि जो मैग्मा की जो मूवमेंट है, ठीक है ना, जो मैग्मा की जो मूवमेंट है वो टू सेल्स के बीच में होती है। अब आपसे कोई पूछेगा मैग्मा मूवमेंट, मैग्मा की जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, तो ये होती है बेटा टू टीआईसी सेल्स से क्या होता है, मैग्मा ऊपर उठता है, मैग्मा क्या होता है ऊपर उठता है, मैग्मा ऊपर है वो उठता है। क्या टीआईसी सेल्स पे टेम्परेचर का इफेक्ट है वो देखने को मिलता है, जल्दी से बताइए, क्या टीआईसी सेल्स पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलता है, नहीं। टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों का टीआईसी सेल्स पर कोई भी जो इफेक्ट है वो नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना, वो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता। या मैं सिंपल सी बात कहूँ, ये अपनी फाइनल स्टेज में है, टीआईसी एट फाइनल स्टेज, एट फाइनल स्टेज, ये अपनी क्या है फाइनल स्टेज पे है। अब इनके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट है वो नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना, ये अपने अंतिम चरण पे है, इनमें कोई भी परिवर्तन है वो अब नहीं होगा, ठीक है। जो भी परिवर्तन होने थे वो सारे के सारे जो परिवर्तन है वो हो चुके हैं। तो फाइनली आपको पता चल गया कि कन्वेक्शनल करंट क्या है। देखिए अब मैं बात करता हूँ कन्वेक्शनल करंट क्या है। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा पहले क्या हो रहा है, मैग्मा है वो ऊपर उठ रहा है, पहले आपने देखा मैग्मा है वो ऊपर उठ रहा है और फिर ऐसे चल रहा है और फिर ठंडा होकर नीचे गिर रहा है,
ये जो प्रोसेस है वो आपने देखी बेटा, इसी प्रोसेस को जाना जाता है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के नाम से। ये जो प्रोसेस है यही है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, यही है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी बेटा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सभी को, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए बेटा। तो TIC क्या होती है, लावा है वो कैसे ऊपर उठता है, ठीक है ना, वो मैंने आपको क्लियर है वो करा दिया है। और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या है ये भी आपके पूरी के पूरा कंप्लीट है, वो हो चुका है। तो अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक चलिए देखते हैं मैं आपको कौन सा है वो कराऊंगा, आप मेरे को कमेंट करके बताइए मैं रिलीफ फॉर्मेशन कराऊं या फिर आपको अर्थक्वेक कराऊं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि अर्थक्वेक कराने के, अर्थक्वेक और वोल्केनो है ये कराऊं। तो यदि आप रिलीफ फॉर्मेशन चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही जो टॉपिक है वो कराने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।